हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा अम्ब्रेला ड्रेस जो कि मैंने ओल्ड साड़ी से बनाया है। आप कौन सी भी ओल्ड साड़ी यूज़ कर सकते हैं, अपनी हो या आपके मम्मी की हो, ओल्ड साड़ी विथ न्यू ड्रेस बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने वाइट कलर की जीन्स और ग्रे कलर की शूज़ कैरी किए हैं ताकि और ब्यूटीफुल लगे। अम्ब्रेला ड्रेस है तो अम्ब्रेला स्लीव्स ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स लगाई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे लिया है ओल्ड साड़ी और हाफ मीटर लाइनिंग ली है मैंने। हम बस टॉप पार्ट पे लाइनिंग डालेंगे और नीचे का जो घेरा है हमारा अम्ब्रेला तो उस पर हम डबल घेरा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर फुल फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट है तो इसकी लेंथ है 14 इंचेस, तो मैंने यहाँ पर 14 इंचेस लिया है। शोल्डर्स मैं ले रही हूँ 7 इंचेस, आप 6.5 भी रख सकते हैं। मैंने आर्म होल सेम लिया है 7 इंचेस। अब इतना याद रखिए कि हम शोल्डर जितने लेते हैं हम आर्म होल भी उतने ही लेंगे। तो मैंने विड्थ 9.5 इंचेस रखी हैं। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, जो फ्रंट का पार्ट है उसको हम 1/2 इंच डीप कट करेंगे आर्म होल की तरफ ताकि हमारी फिटिंग अच्छे से आए। फ्रंट नेक विड्थ है 2 इंचेस और डीप मैं ले रही हूँ 5 इंचेस। ये फ्रंट का पार्ट है तो फ्रंट का टॉप पार्ट है, इसको हम गोलाई देंगे। एज अ सेम हम बैक पार्ट को भी 2 इंचेस लेंगे विड्थ और डीप मैं 3 इंचेस लूँगी, को हम गुलाई देंगे और फिर कट करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओल्ड साड़ी जिस पे हमने टॉप पार्ट कट किया था, उसको हम रखकर फिर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है और जो नेक पार्ट है उस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और शोल्डर्स पे भी सिलाई लगाएंगे और साथ ही साथ फिटिंग भी कर लेंगे। अम्ब्रेला स्लीव्स के लिए मैंने 8 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ है इसकी 11 इंचेस और 13 इंचेस। मैं एक तरफ 13 लूँगी और दूसरी तरफ 11 लूँगी, तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे भी दिया है मेजरमेंट। तो हल्के हाथों से इसको गुलाई देंगे और इसको कट कर लेंगे। हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। हमें नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ देना है और फिर फोल्ड करना है। स्लीव्स आर्म होल के साइड है 2 इंचेस और 4 इंचेस। एक तरफ हमें 2 इंचेस लेना है, दूसरी तरफ 4 इंच लेना है और गुलाई देनी है। तो देखिए अब इसको कट कर लेते हैं। बीच में नॉच लगाऊंगी ताकि ये स्लीव्स अटैच करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो गाइस देखिए हमारी ये अम्ब्रेला स्लीव्स है। नेक्स्ट है हम 4 फोल्ड करेंगे। ये छोटी वाली स्लीव्स हैं जो कि मैं अम्ब्रेला स्लीव्स के अंदर लगाऊंगी, तो ये अंदर वाली साइड है जैसे कि लाइनिंग लगाते हैं हम छोटी वाली। की लेंथ है 6 इंचेस, आर्म होल डीप 3 इंचेस है और विड्थ 8 इंचेस है। तो इसको कट कर लेते हैं। फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है दोनों स्लीव्स को और साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। तो मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला स्लीव्स ली है। अम्ब्रेला स्लीव्स को छोटी वाली स्लीव्स पे रखकर हम प्लेट देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने प्लेट्स देते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों स्लीव्स को अटैच करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा ली है स्लीव्स को और प्लेट्स देते हुए सिलाई लगाई है। आप देख सकते हैं अंदर छोटी वाली है और ऊपर की साइड अम्ब्रेला स्लीव्स हैं।
अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो दोनों स्लीव्स अटैच करना है, सिलाई लगानी है आर्म होल की तरफ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, अटैच कर ली है। नेक्स्ट हम बॉटम के लिए सारी लेंगे, फिर से इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया हुआ है। कमर की साइड इसकी लेंथ और विड्थ है 8 to 8 inches, तो हमारी विड्थ 8 inches आएगी। और लेंथ है इसकी 27 inches, हम 27 inches पे मार्क करेंगे और गोलाई देंगे। इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा डबल लेयर अम्ब्रेला है, तो ये एक लेयर है। दूसरी लेयर के लिए हमें 4 fold करना है फिर से फैब्रिक को। तो ये देखिए मैंने 4 fold किया हुआ है। इसकी लेंथ है 20 inches, तो हमें 20 inches पे मार्क करना है, पूरी गोलाई देना है नीचे की तरफ। तो ये देखिए मैं पूरी नीचे की तरफ गोलाई दे रही हूँ और इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। कमर की साइड हमारी 4 inches पे मार्क करेंगे हम, 4 inches पे मार्क करना है और गोलाई देनी है। ये कमर की तरफ है तो इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा डबल लेयर अम्ब्रेला ड्रेस है। तो मैंने 2 layer कट किए हैं और जो फर्स्ट वाला है उसको हम सिलाई लगाएंगे, साइड वन साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे की तरफ बॉटम साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा घेरा लिया है और इसको हमें सिलाई नहीं लगाना है, यहाँ पे हम प्लेट्स देंगे, फ्रिंज लगाएंगे और नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिप लिया है फ्रिल्स के लिए, तो इसको मैंने जॉइंट कर लिया है, सिलाई लगाई है और इसको हमें नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और प्लेट्स देते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। गाइस ये हमारा फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर भी हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। साथ में हमें इसका टॉप पार्ट भी रखना है और कमर की साइड हमें सिलाई लगानी है। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये ओल्ड साड़ी विद न्यू लुक अगर ड्रेस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।